बाहर जो हो रहा है और अंदर जो हो रहा है ये दोनों बहुत अलग चीज है। बाहर जो हो रहा है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अंदर जो हो रहा है तुम्हारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में होना चाहिए। सो एक बार तुम्हारे अंदर की दुनिया को तुमने तुम्हारे कंट्रोल में ले लिया, बाहर की दुनिया अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, ये मेरा गारंटी है। जब भी मैं एवरेस्ट पे था, when I was on my Everest expedition, when we started using supplementary oxygen from 7,100 meters from the camp one on the Chinese side, so you know somewhere I felt it's getting easier, like effortlessly चल पा रहा था, and problem ये था मेरे mind में, I knew कि जो मैं experience कर रहा हूँ बाहर, like जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये मास्क के अंदर और जो बाहर एक्चुअल में रियलिटी है, दोनों बहुत अलग है। जो एक्चुअल एटमॉस्फेयर है उसको मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ ये शील्ड के अंदर। सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार दिस इज समथिंग इज फंडामेंटली रॉन्ग विथ यू नो दिस लाइक यूजिंग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट ऑक्सीजन, बट आई फेल्ट कि नहीं यार, अनलेस एंड अंटिल आई एम रेडी फिजिकली मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली कि जो एक्चुअल एटमॉस्फेयर है उसको मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ, तब तक मैंने प्रॉमिस किया था खुद को कि मैं नेक्स्ट 8,000 मीटर एक्सपीडिशन पे नहीं जाऊँगा, बिकॉज यूजिंग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन फेल्ट मोर लाइक चीटिंग टू मी। ओके, नाउ दिस माइट गो यू नो लाइक दिस माइट नॉट रेजोनेट विद मोस्ट पीपल बिकॉज दिस एड्स like considerable amount of risk on your body, on your mind, on your brain. So yes, there are ways to train, there are ways to prepare yourself to attempt any 8,000 meter peak without supplementary oxygen. So after I came back from Everest, I have been training very smartly. I have been planning my training, my diet, my लाइफस्टाइल इन जनरल कहूंगा, नॉट जस्ट माय ट्रेनिंग, बिकॉज ट्रेनिंग तो आप दिन का 3-4 घंटा करते हो, बाकी का 20 घंटा तुम क्या करते हो वो तो कोई सोचता ही नहीं है, उसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं है। सो पूरा लाइफस्टाइल इन अ वे मैंने बहुत ही स्मार्टली प्लान किया है अभी, एंड आई एम फॉलोइंग अ ट्रेनिंग प्लान बाय अपहिल एथलीट, ट्रेनिंग पीक्स करके एक वेबसाइट है, यू गाइज माइट नो अबाउट इट, बाय स्टीव हाउस एंड स्कॉट जॉनसन, ही हैज लाइक देव written a very famous book called Training for the New Alpinism. So उनका मैंने training plan खरीदा है, which is very very scientifically made, very very scientifically planned. And yes, so I used to like before this lockdown happened, I used to follow this training plan. So yes, उसमें अभी अगर details जाननी है तो थोड़ा सा मैं, because यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस field में ही है, तो उनके लिए मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि जो लेवल वन एंड्योरेंस होता है, जो जोन वन एंड्योरेंस होता है, विच इज सो जोन वन, जोन थ्री, जोन फोर, जोन फाइव, ये हमारे हार्ट रेट्स है, लाइक द बीट्स पर मिनट व्हेन यू वर्कआउट। सो जोन वन इज अराउंड 50-55% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट, विच इज फॉर मी समवेयर बिटवीन 120 एंड 135 बीट्स पर मिनट। So, कोई भी वर्कआउट कर रहा हूं, आई हैव टू मेक श्योर दैट माई हार्ट रेट रिमेन्स बिटवीन 120 एंड 135। अभी इसके पीछे का साइंस क्या है, देखो जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं एक्चुअल एक्सपीडिशन पे, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम इंटेंस हार्ट बीट हुई पड़ी है और सांस फूली पड़ी है, नहीं, हम हमारे कंफर्ट में वॉक करते हैं, हमारे पेस पे वॉक करते हैं, बट इट्स फॉर लॉन्गर आवर्स, राइट। सो द आइडिया इज यही सेम चीज सिम्युलेट करनी है हमारे ट्रेनिंग में, हार्ट रेट इज नॉट दैट इंटेंस बट फॉर लॉन्गर आवर्स। तो हमारे ये जो मैं ट्रेनिंग प्लान फॉलो कर रहा हूं उसमें कभी ऐसा नहीं कहा है कि तुम्हें आज घर से निकल के 10 किलोमीटर भागना है, नहीं, तुम्हें आज घर से निकल के 1 घंटा भागना है, 1 घंटे में तुम ऑन योर फर्स्ट वीक तुम शायद 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर भाग पाओगे, as you progress, as your conditioning happens, as your lungs and your heart becomes stronger, as your legs become stronger, usi 1 ghante mein 2 hafte baad 3 hafte baad shayad aap 8 km bhag paoge, uske baad shayad aap 10 km bhag paoge, uske baad shayad aap 12 km bhag paoge 1 ghante mein,
तो फोकस इज मोर ऑन टाइम एंड हार्ट रेट. जो आप जो डिस्टेंस भागते हो इट इज इम्पोर्टेंट टू सी हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग. सो दिस इज वॉट एब्सोल्युटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज हाउ द ट्रेनिंग प्लान हैज बीन. अभी इसमें रनिंग आता है, हाइकिंग आता है एंड मोर ऑफ बॉडी वेट ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ. कैलिस्थेनिक्स हो गया, क्रॉसफिट हो गया, अ लिटिल बिट ऑफ वेट लिफ्टिंग ऑल्सो एंड इसके साथ साथ ट्रेनिंग अनलेस एंड अंटिल इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड बाय गुड डाइट इट इज यूजलेस. आप कितना भी वेट लिफ्टिंग कर लो, कितना भी रनिंग कर लो, कोई भी ट्रेनिंग प्लान फॉलो कर लो, लेकिन आप साला कुछ भी खा रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है. सो दीज बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड. एंड तीसरा फैक्टर है जो किसी ट्रेनिंग प्लान में आज तक बात नहीं की है, विच इज दिस माइंड. बिकॉज असली पर्वत तो हमारे अंदर है. सो जब तक वो पर्वत क्लाइंब नहीं करेंगे तब तक बाकी सब बातें हैं. सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एस्पेशली सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम मेडिटेटिंग एंड नॉट नेसेसरी कि आंख बंद करके बैठे हो और कुछ मंत्र जप रहे हो या ओम मेडिटेशन या ब्रेथ. नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसके अलग फायदे हैं, लेकिन मैं जिस मेडिटेटिवनेस की बात कर रहा हूँ इट इज लाइक बीइंग अवेयर थ्रू आउट द डे इन ईच एंड एवरी मोमेंट. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान यहाँ वहाँ है, नहीं, आई एम कम्प्लीटली फोकस्ड. मैं नीचे कमेंट्स आ रहा है उसको भी नहीं ध्यान दे रहा हूँ अभी के लिए, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ. तो दिस इज वॉट आई मीन, आप जब भी जो कर रहे हो उस पर अगर आप 100% अटेंटिव, अवेयर एंड फोकस्ड रह सकते हो सो दैट इज वॉट मेडिटेशन शुड बी लाइक. नॉट, हाँ, जब भी आप आँख बंद करके बैठते हो ऑब्वियसली उसके अलग फायदे हैं, बट जब भी आप जो भी काम कर रहे हो इफ यू कैन डू इट विद 100% अलर्टनेस, इफ यू कैन बी 100% माइंडफुल अबाउट इट, सो दैट इज वॉट आई ट्राई टू डू. अगर मैं बैठा हूँ, अगर कुछ काम नहीं है तो आँख बंद करके देखता हूँ कि मेरे यहाँ क्या चल रहा है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं. अगर कुछ काम कर रहा हो तो 100% फोकस मेरा उसी काम पे होगा. सो यस, दीज आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नन ऑफ द एथलीट्स हु यू नो कोच पीपल स्पीक अबाउट कि हाँ ट्रेनिंग करना है, डाइट करना है, इसके बारे में सब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता. एंड आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर ये ठीक हो गया ना, अगर ये तुम्हारे वश में आ गया ना, अगर इसका तुम मालिक बन गए. अनफॉर्चुनेटली माइंड इज द मालिक फॉर मोस्ट पीपल, माइंड उनको कंट्रोल करता है अनफॉर्चुनेटली. जिसको आप अभी नाउ पीपल वुड स्टार्ट जजिंग मी फॉर दिस, बट अगर आप उसको स्ट्रेस कहो या एंग्जाइटी कहो या डिप्रेशन कहो, दिस इज ऑल अ रीजन दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल दिस. बाहर से स्टिम्युलेट कर रहा होगा तुम्हारा स्ट्रेस को, तुम्हारे एंग्जाइटी को, बट बाहर जो हो रहा है और अंदर जो हो रहा है ये दोनों बहुत अलग चीज है. बाहर जो हो रहा है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अंदर जो हो रहा है तुम्हारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में होना चाहिए. सो एक बार तुम्हारे अंदर की दुनिया को तुमने तुम्हारे कंट्रोल में ले लिया, बाहर की दुनिया अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, ये मेरा गारंटी है. सो दिस इज समथिंग आई थिंक ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस शुड स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन टू जस्ट लुक विद इन. आंख बंद करके बैठो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि घंटों घंटों पर, नहीं, बस जब भी फ्री हो आंख बंद करके बैठो एंड जस्ट ट्राई टू बी मोर माइंडफुल. दिस वुड यू नो चेंज योर लाइफ इन वॉट एवर यू आर डूइंग. सो या जब भी थॉट्स की थॉट्स को हम लोग देख सके, विजुअलाइज कर सके अवेयरनेस के साथ. बिल्कुल, थॉट्स आर इम्पोर्टेंट, थॉट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. थॉट्स एंड इमोशंस आर व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स. सो जब भी कुछ काम हो किसी थॉट का, किसी इमोशन का, तभी आ जाए. काम नहीं है तो आज, जब भी काम नहीं होता तभी आता है, तभी प्रॉब्लम होता है लोगों को कि बैठे हैं, आराम से बैठना है, रात को सोने जाना है, लेकिन माइंड उनका सोने नहीं दे रहा, उनको थॉट्स आए जा रहे. ये थोड़ा प्रॉब्लम है. आई अंडरस्टैंड बिकॉज बचपन से किसी ने हमें कभी सिखाया नहीं है इस पे कैसे काम करना है, तो आई नो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है वो बचपन से ही. वी हैव ग्रोन अप थिंकिंग वी हैव टू डू समथिंग, करते रहना है हमें. स्टिल बैठना तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है.